अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग खाएंगे पूरी सब्जी। मेनली नागा डिशेज ही ऑर्डर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोर्क ऑमलेट भी ऑर्डर किया है हम लोगों ने, क्योंकि ये काफ़ी सूखा। हेलो पीपल, गुड मॉर्निंग। कल एक्चुअली हम लोग बहुत टायर्ड थे, तो इसीलिए डिनर करके आने के बाद सो गए। एंडिंग वीडियो शूट करने का मौका नहीं मिला। तो वैसे आज तो हम लोग चेरापूंजी जाना चाहते थे, बट नहीं जा पाए क्योंकि कुछ अर्जेंट काम आ गया है। तो हम लोगों को गुवाहाटी वापस जाना पड़ रहा है। तभी जाएंगे गुवाहाटी, रुकेंगे एक दो दिन, काम करेंगे, गुवाहाटी एक्सप्लोर करेंगे, फिर बैक टू कोलकाता ऑन मंडे। अभी ब्रेकफास्ट में हम लोग खाएंगे पूरी सब्जी। दूसरे दिन जो खाए थे छेना का जिलेपी, वो फिर से खाएंगे। और उसी के साथ आज हमने लिया है मालपुआ और एक कॉफ़ी और एक चाय, और बिल हुआ है टोटल 285। तो अभी खा पी लेते हैं, उसके बाद बैक टू आसाम। करीबन ढाई घंटा लगा, ढाई से तीन घंटा लगा और हम लोग पहुंच गए। जिस कैब में आए थे वो कैब डायरेक्टली पल्टन बाजार तक ले आया, और हम लोगों ने होटल भी पल्टन बाजार में बुक किया था आसाम का, गुवाहाटी में। दो रीज़न है क्योंकि हम लोगों को दो मार्केट घूमने हैं, एक फैंसी मार्केट और दूसरा क्या है, पान बाज़ार। एक फैंसी बाज़ार, एक पान बाज़ार, दोनों ही पल्टन रोड से बहुत काफ़ी नज़दीक है। और हम लोग रिटर्न जा रहे हैं ट्रेन से, तो ट्रेन स्टेशन भी वॉकिंग डिस्टेंस में, इस होटल से वॉकिंग डिस्टेंस में तीनों जगह है, इसलिए ये होटल लिया। थोड़ा एक्सपेंसिव है, 2000 का टैरिफ आ रहा है पर डे का, बट होटल अच्छा है। अभी तक जितने भी होटल में स्टे किए हैं सबसे अच्छा ये है, ऑब्वियसली सबसे एक्सपेंसिव भी यही है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं होटल कैसा है। ये रहा होटल अंबिका ग्रैंड। ये अपना कार्ड डालो, अंदर आ जाओ, लॉक और सिक्योर है अच्छा सा। आपको अंदर आते ही बड़ा वाला बेड दिखता है, और ये बेड काफ़ी बड़ा है, किंग नहीं है, क्वीन साइज़ है। डस्टबिन दिया हुआ है, सॉकेट्स भी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर एक है, वहाँ पर एक है, यहाँ पर भी बहुत सारे, टीवी चलता है। और यहाँ पानी गर्म करने के लिए इलेक्ट्रिक केटल दिया हुआ है जो एक्चुअली चलता है, प्लग है इसका, यहाँ पे आप चला सकते हो। और एसी है, एसी के साथ साथ ये वर्क डेस्क है और दो चेयर दिया हुआ है। वहाँ दो बेड साइड स्टैंड भी है जहाँ पर आप अपना सामान रख सकते हो। एसी है और ये कबर्ड भी दिया हुआ है इसके साथ, विद द लॉक ऑफ योर ओन, तो अगर आपको कीमती सामान रखना है तो उसके लिए लॉक भी है। और ये है इसका वॉशरूम। अच्छी बात ये है कि वॉशरूम काफ़ी दूर है, मेन एकदम मुंह के ऊपर नहीं है रूम से, तो और वॉशरूम बड़ा भी है, काफ़ी बड़ा है, गर्म पानी है, इंटरनली है, तो यहाँ पे सारे स्विच वगैरह है जो बंद कर देते हैं अभी क्योंकि चल तो नहीं रहा। तो इन लोगों का इन हाउस रेस्टोरेंट है, आप जाके खा नहीं सकते बट रूम सर्विस है। और ये रहा इसका मेन्यू, जो कि अभी फोकस नहीं हो रहा, हो गया फोकस, तो पॉज करके देख लेना। मुझे लगा थोड़ा एक्सपेंसिव है, अभी पता नहीं फूड क्वालिटी कैसा होगा, अगर ऑर्डर करेंगे तो आपको रिव्यू दे देंगे। हम लोग अभी लंच पे निकले हैं, थोड़ा लेट लंच हो रहा है, 5 बज रहा है, और हम लोग अभी रॉयल नागा रेस्टोरेंट में है, तो ये फेमस है नागा डिशेस के लिए, तो हम लोगों ने मेनली नागा डिशेस ही ऑर्डर किया है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पोर्क है इन ब्लैक सेसमी सॉस, ये है पोर्क विद स्टर फ्राइड पोर्क विद फ्रेश बैम्बू शूट, और ये है पैन फ्राइड नूडल्स वेज। तो अभी खाते हैं, देखते कैसा होगा। ऑमलेट भी ऑर्डर किया है हम लोगों ने, क्योंकि ये काफ़ी सूखा है, ज़्यादा बटर नहीं है इसमें, खा नहीं पा रहे थे तो इसलिए एक्स्ट्रा से ऑमलेट ऑर्डर करवाए। आज लास्ट डे हमारा आसाम में, तो इसीलिए कहीं घूम नहीं रहे, थोड़ा रेस्ट ले रहे। अभी ब्रेकफास्ट के बाद लंच पे निकले,
तिब्बत किचन। आज हम लोग यहाँ का ही ट्राई करेंगे खाना। हाँ, तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि और लोकल क्विजीन ही ट्राई करें, टिबेटन और नागा मेनली। और कुछ खा नहीं रहे। कल निकलने से पहले शायद ट्राई आउट नागा या फिर टिबेटन थाली, जो कि यहाँ का ऑथेंटिक है। तो फिलहाल तो अभी टिबेट किचन में है। हम लोगों ने मोमोज ऑर्डर किया है, थुक्पा ऑर्डर किया है और पॉर्क चिली ऑर्डर किया है। आने से दिखाते हैं कैसे है। हम लोगों का मोमो आ चुका है। एक्चुअली क्या है, बहुत ज़्यादा भूख लग रहा था हम लोगों को, तो एज एन एपिटाइज़र हम लोगों ने फ्राइड मोमो बोला था, वो आ चुका है, तो पहले यही खाएंगे। और यहाँ मोमो के साथ सूप भी मिल रहा है, कुछ लाइट कोरिएंडर सूप है शायद। तो का नेक्स्ट ऑर्डर भी आ चुका है, थुक्पा है इधर और इधर पॉर्क चिली चिकन थुक्पा। हाँ, चिकन थुक्पा है और पॉर्क चिली है। मोमो तो अच्छा है, वो सूप भी अच्छा है मोमो का। अभी ये दोनों कैसा है खा के बताते हैं हम लोग। अभी क्या है ना कि हमारे होटल के बाहर ही ठीक एक मोमो मेनिया बोल के है, जो मेरे को लग रहा है कि टोटल रिप ऑफ ऑफ वाव मोमोस। तो डेकोरेशन भी सेम है, बस ये अच्छी बात है कि प्राइस बहुत कम है। प्राइस उतना ज़्यादा नहीं है जितना वाव मोमो का है। तो हम लोगों ने थोड़ा टेस्ट करने के लिए चिकन अफगानी मोमो ऑर्डर किया है। मेन्यू बिल्कुल अलग है, मेन्यू सेम नहीं है वाव मोमो से, बट हाँ मतलब कुछ कुछ तो मिलते हैं। लाल चा, लेबू चा,